गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, आज आपके साथ हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं और योमचा के ADC साहब भी हैं और जिला परिषद चेयरपर्सन और आपके जिला मेंबर्स सभी आए हुए हैं। सर हम देख रहे हैं बहुत सारा लगभग मोर देन 500 बाइक्स जो है हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगा को बहुत ही खूबसूरत के साथ ले जाके कंबातू यहाँ जगह हमने हुए क्या तक आया है। सर इस तरह का बाइक रैली जो करने का और तिरंगा का साथ जो है यहाँ बाइक यात्रा करने का, सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तिरंगा जो है एक सीमित लोगों के पास होता था। जैसे कि आपको तिरंगा पहनाना है तो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होना पड़ता था और या तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ता था, और आपको अपने कार में तिरंगा लगाना है तो एट द मोस्ट आप स्टेट का मंत्री होना पड़ता था। लेकिन इस प्रथा को और जो VIP कल्चर को हमारे प्रधानमंत्री ने ख़त्म किया है, सबसे पहले उन्होंने लाल बत्ती कल्चर को ख़त्म किया है पूरे भारतवर्ष में। प्रधानमंत्री से लेकर आज MLA तक किसी का गाड़ी में आपको लाल बत्ती नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ हर घर तिरंगा का मेन उद्देश्य ये है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए, हर घर अपने हिसाब से तिरंगा को विद रेस्पेक्ट उसको फ्लैग होस्ट करें और जन गण गाए और अपने आप को गर्व फील करें, तिरंगा को रेस्पेक्ट दे। तिरंगा हम सब का है, सभी का है, ये इस उद्देश्य से था। और स्पेशली 27 लिरमोबा के जितने भी जनता लिरमोबा एवं साधारा कंबा के यूथ लोग आज लगभग 740 प्लस बाइक आज हम लोगों ने जो बाइक रैली किया है, इसका मेन उद्देश्य जो आज़ादी में जिन्होंने इस देश में बलिदान देकर आज़ादी लेके दिया हम सभी को, 76 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग जो मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसे इस समय में हम 27 लिरमोबा की ओर से उन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए यह आज का यात्रा था, जिन्होंने पुलिसकर्मी जिन्होंने ड्यूटी समय में अपना जान दिया है स्टेट पुलिस के, और लेबर जिन्होंने रास्ता में काम करते हुए अपना जान दिया है, उन सभी को रेस्पेक्ट देते हुए एक यूनिक तरीके से हमने आज ये तिरंगा यात्रा निकाल कर उन सभी को रेस्पेक्ट देने का काम किया है। मैं सभी के सामने में मेरे ऑल ZPMs, मेरे दोनों ADC, DC साहब, CO, AC सब आज थे, सबके सामने भी मैंने सबको भी ये प्रॉमिस किया कि अप्रैल 2023 तक जिस गाँव में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, ये डेट मैं नोट करवाना चाहूँगा, अप्रैल 2023 तक हम लोग उन्हें 4G नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने जो प्रयास जो किया है उसे हम लोग सफलतापूर्वक करेंगे, ऐसा सबको आज मैंने आश्वासन दिया है। एट द सेम टाइम दिस ऑल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम दे रन ऑन बिजनेस बेस, पब्लिक को ये भी समझना है, दे रन ऑन बिजनेस बेस। जो हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क कंपनीज़ है वो जितना आप रिचार्ज करेंगे, जितना आप टॉक टाइमिंग होगा उसके हिसाब से उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, कल को उन लोग कनेक्ट करता भी है और उन्हें बिजनेस नहीं भी मिलता है, हो सकता है उन लोग नाराज़ भी हो जाए, ऐसा भी संभावना है। ये बस्ती वालों को इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, बोल के आपके सामने में इस बात को भी रख दिया। थैंक यू।